अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? तो आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चार्जेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जी। द प्रोसेस बाय विच वी चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है जी। अब देर आर टू मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। पहला मेथड हम स्टार्ट करें जी, मेथड्स मेथड वन है जी। नंबर वन मेथड इसे कहते हैं बाय कंडक्शन। इस मेथड में हम दो बॉडीज़ को इन कॉन्टेक्ट लेकर आते हैं और फिर बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। तो अभी हम एग्जांपल से भी चेक कर लेंगे इसको। तो लिख लेते हैं द चार्ज इज ट्रांसफर्ड, द चार्ज इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू इन कॉन्टेक्ट, ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन टू फोर्सेस। कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कर ले मेरे पास जी एक बॉडी है, ये वाली, ये है पॉजिटिवली चार्ज, इसके नीचे मैं एक स्टैंड लगा देता हूँ ताकि ये चार्ज ग्राउंड में ना चला जाए। और ये स्टैंड जो है बेसिकली ये इंसुलेटर का है। इसके पास मैं एक दूसरी बॉडी रखता हूँ जो कि न्यूट्रल है, इसके साथ मैं लगा देता हूँ स्टैंड। मैंने करना क्या है कि इन दो बॉडीज़ को इन कॉन्टेक्ट लेकर आना है। इस मेथड के मुताबिक आप इन दो बॉडीज़ को इन कॉन्टेक्ट ले आए। फ़र्ज़ कर लें जी ये बॉडी है एक और दूसरी बॉडी ये वाली आ गई, इसका स्टैंड जो कि इंसुलेटर का है, इसका स्टैंड भी इंसुलेटर का। ये इंसुलेटर इसलिए लगाया था कि बॉडी का जो चार्ज है वो ग्राउंड में ना चला जाए, ट्रांसफ़र ना हो जाए, बॉडी के ऊपर ही रहे। ये दोनों स्टैंड जो मैंने लगाए हैं बेसिकली ये हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है जी। अब जारी बात है, अगर फ़र्ज़ कर लें बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो जो ए का चार्ज होगा जारी बात है वो बी के ऊपर भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। दोनों कंडक्टिंग बॉडीज हैं तो ये चार्ज जो है इस जगह पे जो कनेक्शन बना हुआ है इनका आपस में, इस कनेक्शन की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब इनको सेपरेट कर लें आप। जब सेपरेट करेंगे तो अब ए के ऊपर भी चार्ज आ चुका होगा, वो तो ऑलरेडी था, और बी पे भी क्या हो चुका होगा, चार्ज आ चुका होगा। ए पे भी प्लस चार्ज होगा जो कि ऑलरेडी था, और अब बी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और ये रहा, अगर इंसुलेटेड है ये तो फिर चार्ज बॉडी के ऊपर ही रहेगा, अदरवाइज ये सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस मेथड में हमने दो बॉडीज़ को कॉन्टेक्ट में लेकर आए और बॉडी को चार्ज कर लिया। लास्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फ़र्ज़ कर लें इसका चार्ज क्यू वन है, सॉरी क्यू कह देते हैं जिसको हम, इसका चार्ज क्यू है। अब हम इनको कॉन्टेक्ट किया, इसके बाद चार्ज आ गया क्यू वन, अभी आ गया क्यू टू। याद रखिएगा जो टोटल चार्ज की अमाउंट क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसके ऊपर टोटल चार्ज जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है जी, कंजर्व। तो ये मैं लिख देता हूँ चार्ज कंजर्व रहेगा, क्रिएट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस ट्रांसफर हुआ एक बॉडी दूसरी बॉडी में। तो इस कंडीशन में चार्ज कंजर्व रहेगा, मस्ट कंजर्व रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था जी पहला मेथड जिसमें हमने बॉडी को चार्ज किया बाय कॉन्टेक्ट। अब मैं फ़र्ज़ कर ले मेरे पास दोनों बॉडीज़ क्या हैं जी, न्यूट्रल हैं, ये भी ऑब्वियसली न्यू, ये भी इंसुलेटर के बना हुआ है, इंसुलेटर स्टैंड, ये भी स्टैंड लिख लें यहाँ पे।
अब ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल बॉडी का एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है उसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, यानी कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है उसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं। हम कहते हैं ओवरऑल न्यूट्रल, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। आप इनको लेकर आए इन कॉन्टेक्ट, और इन कॉन्टेक्ट लाने के बाद यहाँ आप इनको रब करना शुरू कर दें आप। और यहाँ पे रब करते हुए, रब करने से पहले जब दो बॉडीज ए और बी, ख्याल रखिएगा कि फर्ज के लिए मेरे पास ए इंसुलेटर की है, ए है इंसुलेटर की और बी जो है हमारे पास क्या है, कंडक्टर की है, कंडक्टिंग बॉडी है। अब आपको पता है इंसुलेटर पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। आप जब इनको यहाँ से कॉन्टेक्ट में ला कर रब करें, यहाँ पे इनकी रबिंग करवाएं आपस में, तो क्या होगा कि जो बी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ए के नीचे स्टैंड, ये क्योंकि सारा का सारा इंसुलेटर का बना हुआ है इस केस में, अब केस में सारा का सारा इंसुलेटर होने की वजह से हो सकता है कि बी का जो चार्ज है वो ए में क्या होना शुरू हो जाए, ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। ट्रांसफर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आएगा वो इसके ऊपर क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा और इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब इसको कर दें आप सेपरेट, जब सेपरेट करेंगे तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया बी से ए की तरफ। तो जब अलग करेंगे तो बी पे जारी बात है इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन दिस मेथड आपने देखा, और जितना नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव आएगा, ख्याल रखिएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, अगर फर्ज करें यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए के अंदर, और ए में से अब जारी बात है चार्ज मूव नहीं कर सकता, पहली बात तो स्टैंड वाला इंसुलेटर का है, और दूसरी बात ये कि ये इस केस में हमने पूरी बॉडी को इंसुलेटर ही कंसिडर किया हुआ है, तो इसमें बॉडी के ऊपर ही रहेगा जहाँ पर भी नेगेटिव आ गया है, और जो बी पे चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये था जी फर्स्ट मेथड, जिसमें कंडक्शन हमने दो बॉडीज को कॉन्टेक्ट में लेकर आए और इस मेथड के जरिए हमने उसको कर लिया, चार्ज कर लिया। तो इस कंडीशन में हमारी ये जो वाली जो बात है ये अभी भी बिल्कुल वैलिड रहेगी, जितना इलेक्ट्रॉन प्लस में है उतने माइनस में है, तो ओवरऑल अभी भी बॉडीज के दोनों क्या हैं, न्यूट्रल ही हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो पहले चार्ज जीरो था, तो बाद में भी चार्ज क्या होगा, ओवरऑल दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी हमें चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में हमारे पास जो रहती, इसे कहते हैं इंडक्शन मेथड, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में हम क्या करते हैं जी, चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट कॉन्टेक्ट, यहां हम करेंगे चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट विदाउट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, बॉडीज को कॉन्टेक्ट में लाए बगैर आप चार्ज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है जी, उसको भी देख लेते हैं जी। उसके लिए जी सपोज करें मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज अगेन बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, बोथ आर न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है जी, ये भी न्यूट्रल है। हम इसके दरमियान ये दोनों कंडक्टर की बनी हुई स्टैंड लगा देते हैं जी, ताकि चार्ज ग्राउंड की तरफ फ्लो ना कर सके। तो ये स्टैंड क्या आ गए जी, इंसुलेटिंग स्टैंड। आप बॉडीज को आपस में जोड़े, अभी आप कैसे सोच रहे होंगे इसमें तो बॉडी को इन कॉन्टैक्ट नहीं लेके आना, तो अभी जरा देखिएगा, जरा आप बॉडीज को लेकर आए इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे बना देता हूँ जी, बॉडीज को इन कॉन्टैक्ट लेकर आए ए बी, और ये उसके आगे इंसुलेटर के स्टैंड, ये दोनों क्या हैं जी, इंसुलेटर के बने हुए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड, नाउ दे आर इन कॉन्टेक्ट। अब आपने करना क्या है जी, कि इसके पास एक थर्ड बॉडी, चार्ज बॉडी लेकर आए। सपोज करें मेरे पास एक रॉड है, उसके ऊपर चार्ज है जी प्लस चार्ज, ये आ गई जी चार्ज्ड बॉडी,
ख्याल ही गई, दोनों के दोनों चार्ज बॉडी जो है वो कंडक्टर के बनी हुई हैं, ठीक है जी। अब ये जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो प्लस चार्ज है इसको इनको हम आपस में इन कॉन्टेक्ट नहीं लेके जाना, ये प्लस इस ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। और जो इसके अंदर प्रोटॉन होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला पॉजिटिव इसके अंदर वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वो इस साइड पे आएगा, और चूंकि साथ वाले बॉडी इन कॉन्टेक्ट है तो सारा किस पे चला जाएगा, इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, और चूंकि ये इंसुलेटर के स्टैंड है ये चार्ज मूव नहीं कर सकता। अभी आपने इसको हटाना नहीं है, आप इन दोनों को सेपरेट कर दें आप यहीं पर। अब देखिए जब सेपरेट करूँगा मैं, फर्ज कर लें जी ए है ये बी है, ये ए आ गया ये बी आ गया, अब आपके बॉडी के ऊपर क्या आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है जो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ चुका है पॉजिटिव, और ये भी पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर्स के बने हुए हैं। अब आपने करना है कि आप इस बॉडी को आप कर देंगे, इस चार्ज बॉडी को जो जिसकी वजह से आपने इंड्यूस की है उसको साइड पे कर देंगे तो इसके ऊपर चार्ज मौजूद रहेगा, लेकिन जब इनको आपने सेपरेट करना होगा तो आपने इसको पास ही रखना है, फिर सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करने के बाद फिर इसको आप साइड पे लेके जा सकते हैं। अब बॉडी के ऊपर क्या हो चुका होगा, चार्ज हो चुका है, दिस इज आल्सो नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका भी एक और मेथड है उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके अंदर भी इंडक्शन के अंदर भी एक और तरीकेकार है, वो तरीकेकार क्या है अब उसको भी देख लेते हैं आप। तो ये मेथड था इंडक्शन का जिसमें हमने इस बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाए बगैर चार्ज किया है। हाँ इनका आपस में कॉन्टैक्ट था, अब सपोज करें जी मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है जी, सपोज करें मैं थोड़ा सा अब मैं एक ही बॉडी लेता हूँ, आप ही थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि जिसमें तो हमने बॉडी से कॉन्टैक्ट में लेकर आए हैं, हम तो हमने कहा कि जी चार्ज इज ट्रांसफर्ड विदाउट कॉन्टैक्ट, चलें इस बात को भी मजीद हम एलेबोरेट कर लेते हैं जी। फर्स्ट कहने बॉडी ये है मेरे पास और ये न्यूट्रल है, दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी है और ये स्टैंड क्या आ गया जी, इंसुलेटर का, इंसुलेटर स्टैंड। अब आपने करना क्या है कि इस बॉडी के पास नेक्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पर बनाऊंगा, मैं इस बॉडी के पास बॉडी ए के पास क्या करना है जी, एक चार्ज इसे हम स्टैंड बना लेते हैं पहले ताकि हमारा चार्ज कहीं ज़मीन में ट्रांसफर ही ना हो जाए, अगर स्टैंड नहीं लगाएंगे तो सारा चार्ज हमारी मेहनत ज़ाया जाएगी, इसलिए सबसे पहले ये स्टैंड होना ज़रूरी है जी, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब आप इस बॉडी के पास क्या लेकर आए, एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज लेकर आए या नेगेटिव चार्ज लेकर आए इसकी आपकी मर्जी है, चार्ज्ड बॉडी ये वाली। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव इस बॉडी चूंकि ये न्यूट्रल है, ये बॉडी होने की न्यूट्रल होने की वजह से ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, और नेगेटिव खींचने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इसके साइड पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड पर, और जो इसके अंदर पॉजिटिव होगा जारी बात तो कोई दूसरी बॉडी नहीं है, इस बॉडी से बाहर तो जा नहीं सकता, ये पहले केस में हमने तो साथ बी अटैच किया हुआ तो बी में चला गया था, तो ये पॉजिटिव इसके अंदर वाले पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करके इस साइड पर कर देगा वो। तो अभी बॉडी चार्ज नहीं हुई, बस क्या हुआ है कि चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अभी बॉडी ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। अब आपने करना क्या है जी कि थर्ड केस में आप जब बनाएंगे इस बॉडी को, इस डायग्राम को बनाऊं मैं दोबारा से, तो आपने यूं करना है कि जी स्टैंड लगा के जो कि इंसुलेटर का है, आपको बार बार वाजे करूँ इंसुलेटर का स्टैंड लगाना ज़रूरी है, इस बॉडी को अपने इसके पास ही रखें आप, इस बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को करीब रखें इसके, और इसको यहाँ से क्या कर दें आप, ग्राउंड कर दें आप, ग्राउंड की याद रखिएगा, ग्राउंड का मतलब होता है जी 0 वोल्ट, अर्थ कर दें इसको आप। अब होगा क्या कि ये कंडक्टिंग वायर के जरिए ये प्लस वाला चार्ज है सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा, और इस बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस चार्ज होगा बॉडी के हमेशा ऊपर रहता है। अब आपने पहले क्या करना है जी, इस ग्राउंड को ख़त्म करना है और फिर इस बॉडी को साइड पे करना है, ये चार्ज बॉडी को, तो फिर आपका जो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर ही रहेगा, और इस तरह से हमारा क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चले मैं डायग्राम बना देता हूँ मज़ीद, यहाँ पे बना देता हूँ जी कि ये आपके पास बॉडी ए थी
और आपने ये स्टैंड लगा लिया इसके साथ, पहले सबसे ज़रूरी है। अब इसके ऊपर आप इसको रिमूव करें पहले और फिर इसको रिमूव करें, तो आप बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया जी? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह गया, तो इसमें हमारी बॉडी क्या हो चुकी है जी? चार्ज हो चुकी है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके जरिए हम बॉडी को कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड क्या लाजमी है कि तार के जरिए ही ग्राउंड किया जाएगा? तो लाजमी नहीं कि तार के जरिए ग्राउंड किया जाए। आप इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, आप एक बॉडी के पास ये चार्ज बॉडी लेकर आए हैं, ये तार लगाने की जरूरत नहीं है। आप जारी बस ज़मीन पर खड़े हुए हैं, तो आपका कनेक्शन ज़मीन के साथ है। हमारी बॉडी एज ए कंडक्टर काम कर सकती है। आप क्या करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर अपनी फिंगर्स रखेंगे इस तरह से, तो ये प्लस चार्ज आपके बॉडी के जरिए का चला जाएगा, सारा का सारा ज़मीन में चला जाएगा। अपने हाथ को साइड पर कर दें, फिर ये चार्ज बॉडी को साइड पर कर दें, तो जो बाकी चार्ज है इस बॉडी के ऊपर रह जाएगा और वो हमारा बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए हम बॉडी का कर सकते हैं जी, चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, जब बॉडी के ऊपर चार्ज आता है ना, तो चार्ज आने के बाद अगर वो कंडक्टर की बॉडी है, तो वो बॉडी को चार्ज अपनी बॉडी के ऊपर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने ऊपर, कभी भी चार्ज नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहता। हाँ, अगर बॉडी इंसुलेटर की बनी हो टोटली, तो फिर चार्ज मूव नहीं कर सकता, वो जहाँ पर है वो वहीं पर बाउंड हो जाएगा, सरफेस के ऊपर रहेगा, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता बॉडी के ऊपर, ओवर द सर्फेस। तो खैर जी, हम आमतौर पर कंडक्टर्स को ही चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं, उन एमसीक्यूज को भी साथ में करवा देता हूँ जी। एमसीक्यूज है जी आवर गैलेक्सीज, बड़ा सिंपल एमसीक्यूज है। हमारी गैलेक्सी जो है वो होती है जी न्यूट्रल होती है, हमारी ओवरऑल गैलेक्सी जो है जो जी वो है जी न्यूट्रल। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है जी, मतलब सिंपल सा अल्फा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है जी, ये चार्ज ऑफ +2 इज ट्रांसफर्ड टू ए सॉलिड मेटल स्फीयर वेयर द एक्सेस चार्ज रिजाइड। हमने बॉडी को +2 Q चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, तो ये जो +2 Q चार्ज प्रोवाइड किए, बॉडी कहाँ पर रिजाइड करेगा? +2 Q ऑन आउटर सरफेस, +2 Q एट सेंटर, +Q ऑन आउटर सरफेस, -2 Q एट सेंटर। याद रखिएगा, बॉडी को जब भी चार्ज किया जाएगा, जो एक्सेस चार्ज होगा, वो हमेशा बॉडी के सरफेस के ऊपर ही रहेगा, बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो इसमें बनेगी अल्फा ऑप्शन, +2 Q आउटर सरफेस पर रहेगा, बॉडी के अंदर कभी भी नहीं जा सकता। अगर बेशक वो कंडक्टर का भी है, फिर भी चार्ज बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, एक्सेस में नहीं जा सकता वो, मतलब बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, एक्सेस चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेगा। अच्छा, तीसरा सवाल बड़ा कंसेप्चुअल है, कहता है जी व्हाट इज द शॉर्ट टेस्ट टू चेक वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट। यानी हमें चेक करना है बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो हम कौन सा प्रोसेस कंफर्म होगा कि ये बॉडी के ऊपर चार्ज है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, या बोथ ही एंड बी। अब मिसाल के तौर पर आपने वो मैं एग्जाम्पल आपने बचपन में भी किया होगा जी, के आप बालों में कंघी करते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को वो खींचना शुरू कर देती है। तो बेसिकली ये वाला ये जो इंडक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है, आप देख सकते हैं कि इस बॉडी में ये जो बॉडी न्यूट्रल थी, जब इसके पास चार्ज बॉडी लेकर आए हैं ना, तो इसने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। यानी न्यूट्रल बॉडी कैन आल्सो बी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यूट्रल बॉडी कैन आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय ये चार्ज बॉडी। वैसे तो आप जानते हैं कि प्लस प्लस को रिपेल करेगा और प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्शन होगी, तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल है, ये प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूट्रल होने के बावजूद ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये बॉडी पहले से नेगेटिव होती, फिर भी इसमें करता अट्रैक्ट करता, यानी कि बात ये हो रही है कि अगर बॉडी न्यूट्रल हो, फिर भी उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है विद द चार्ज बॉडी। अगर बॉडी ऑलरेडी चार्ज्ड है, उसको फिर भी दूसरे चार्ज से अट्रैक्शन हो सकती है अगर ऑपोजिट चार्ज आ जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है इस बॉडी के ऊपर, तो फिर मैं इस बॉडी को ले गया था इसके पास, तो फिर जाहिर सी बात है लाजमी तौर पर क्या होनी थी, रिपल्शन होनी थी, फिर अट्रैक्शन नहीं हो सकती थी। इसका मतलब अगर आपने किसी बॉडी पे चेक करना है कि चार्ज है या नहीं है, कंफर्म टेस्ट करना है, तो आप बॉडी को उसके पास लेकर जाएं अपनी चार्ज बॉडी को। अगर तो अट्रैक्शन हो रही है, तो हमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो अगली नेक्स्ट बॉडी जो आपको जिसको चेक करना चाह रही है, वो या तो न्यूट्रल होगी, क्योंकि न्यूट्रल में भी चार्ज हो सकती है इंडक्शन की मदद से, और अगर वो ऑलरेडी चार्ज है, तो अगर वो अपोजिट चार्ज है फिर भी, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी चार्ज बॉडी को बॉडी के पास लेकर जाते हैं जिसको चेक करना चाह रहे हैं कि चार्ज है कि नहीं है, तो अगर उसने रिपेल कर दिया है, तो ये मस्ट हमें कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ उसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी चार्ज मौजूद है। इसका मतलब है हम किसी बॉडी को चार्ज को श्योर कर सकते हैं बाय रिपल्शन। तो रिपल्शन वाला इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, यानी बीट ऑप्शन बनता है आपके पास। तो चौथा क्वेश्चन एज यूजल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जी। देखिए भाई जी, टू अपोजिटली चार्ज बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस नियर टू थर्ड बॉल सी वन बाई वन, बोथ ए एंड बी अट्रैक्ट द बॉल सी, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज ऑन बॉल सी। ए और बी दो बॉडी बॉल्स हैं,
उनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, सपोज ए के ऊपर प्लस है बी के ऊपर माइनस है, पहले ए को सी के पास लेकर गए तो उसने सी को अट्रैक्ट किया ए ने, फिर बी को सी के पास ले, सी ने भी बी के ने भी सी को अट्रैक्ट किया, अब बताएं सी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। ठीक है जी, ए के ऊपर सपोज करें प्लस है, बी के ऊपर सपोज करें माइनस है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ए और बी आर अपोजिट चार्ज, तो दोनों बॉडी सी को अट्रैक्ट कर रही हैं, अब बताइए सी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा या सी बोल के होगी वो न्यूट्रल होगी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज ये आपके लिए। अच्छा लास्ट में दो टर्म्स आती हैं वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर आप जिस बॉडी को चार्ज कर रहे हो, चार्ज डेंसिटी की टर्म है जी, चार्ज डेंसिटी, आप जिस बॉडी को चार्ज कर रहे हो अगर तो बॉडी लीनियर फॉर्म में मौजूद है उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्ज कर लें जी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सपोज करें मेरे पास एक बॉडी है रॉड की शक्ल में है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है क्यू और इसकी जो टोटल लेंथ है फर्ज कर लें वो है एल, तो आपने क्या करना है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का मतलब क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा आपने टोटल चार्ज जो भी इसके ऊपर आ रहा है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ, इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इसको लिख सकते हैं क्यू ओवर एल। ठीक है जी, सेकंड जो टर्म आती है जी उसके अंदर आती है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है जी कि अगर आपके पास फर्ज कर लें एक शीट है, बेसिकली इसकी सरफेस ले सकते हैं तो मैं शीट से समझा देता हूँ, फर्ज कर लें आपके पास ये शीट है जी और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, माइनस भी हो सकता है कोई अर्ज नहीं है लेकिन हम हमेशा प्लस ही लेते हैं, इसका जो टोटल एरिया फ़र्ज कर लें ए है, चार्ज की वैल्यू फ़र्ज कर लें क्यू है, तो आपने करना है टोटल चार्ज जो भी बॉडी के ऊपर आ रहा है, टोटल चार्ज ओवर टोटल सरफेस एरिया, इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलते हैं क्यू ओवर ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। और याद रखिएगा अगर ये तो यूनिफॉर्म बॉडीज हमने ली है, अगर आपके पास कोई बॉडी ऐसी आ जाती है जी, सपोज करें कि जी इस तरह से आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, अगर ये कंडक्टर की बनी हुई है सपोज करें जी, तो कंडक्टर की बनी हुई है तो इसके ऊपर हम चार्ज कर देते हैं, सपोज करें चार्ज आता है जी प्लस, अगर कंडक्टर की बनी हुई है तो याद रखिएगा चार्ज हमेशा अपने आप को बॉडी की सरफेस के ऊपर रखता है, और याद रखिएगा वो अपने आप को हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर कंडक्टर बॉडी के ऊपर एक जगह पर चार्ज ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो तो चार्ज अपने आप को बैलेंस कर लेता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अगर वो कंडक्टर की बनी हुई है तो ये कंडक्टर है तो अपने आप को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इस शार्प एज पर जारी बात है एरिया कम होने की वजह से और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है चार्ज की वैल्यूज इक्वल होंगी इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यूज इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज की जो डेंसिटी होगी इस फॉर्मूले के मुताबिक चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे शार्प एज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे फ्लैट होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी कम, लेकिन ख्याल रखिएगा चार्ज दोनों एंड्स पे क्या होगा सेम होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, ठीक है जी, तो लेकिन याद रखिएगा चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है ना ये स्पीड ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप अगर जानते हैं पहले से तो उसमें ये पढ़ा जाता है जी कि बॉडी जब स्पीड ऑफ लाइट से या अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है विद वेरी हाई स्पीड, जब बॉडी मूव कर रही होती है उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है, उसका एरिया या उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, तो जब ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी ना इसकी डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं और डायमेंशन चेंज होने की वजह से इसका लेंथ या एरिया चेंज हो जाएगा और लेंथ या एरिया चेंज होने की वजह से उसकी जो सर चार्ज डेंसिटी उसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है, तो चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी और इस शार्प एज पे हमारी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू की हमेशा रहती है ज़्यादा रहती है। तो ये था आज का लेक्चर, ये FSC की बुक में कहीं भी लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।